जय बाबा की। तो भाई अपने साथ है अपना भाई विजय पवार जो है बारची से, और ये कावड़ ले गए, सबसे स्पेशल कावड़ है इनकी, और ये कावड़ है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए। तो भाई बताओगे इसके बारे में कि भाई ने कैसे सोचा कि भाई उनके लिए कावड़ लेके आवे, सबसे स्पेशल कावड़ अपने देश के जो शहीद है उनके नाम। तो भाई आजादी के 7 दशक से ऊपर हो चुके जिन हीरो ने हमारा देश आजाद करा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लेकिन उन्हें आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए हम ये कावड़ लेकर आए। भगवान भोलेनाथ से मनोकामना मांगी है और सरकार से भी निवेदन किया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर हम आजाद है, पूरा देश आजाद है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए है, कहीं उनके कारण है। इनकी बलिदानी हम पूरा देश नहीं भूल पाएगा। ये दुनिया के हीरो है और रहेंगे। और कहीं ना कहीं एक अग्निवीर योजना जो कुछ दिन पहले चली थी, और कहीं ना कहीं आज योग के अंदर जो जज्बा, जो जुनून कहीं ना कहीं सेना में जाने का है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। हर युवा का मन करता है, देश के, भारतीय के हर एक युवा का मन करता है कि मैं सेना में जाऊं और कहीं ना कहीं बॉर्डर पर ड्यूटी देकर और देश के लिए कुछ करके दिखाऊं। कहीं ना कहीं ये योजना खत्म होनी चाहिए। इसको देखते हुए ये जो यात्रा है, कावड़ यात्रा, ये शुरू हुई थी 5 दिन पहले हरिद्वार से, और ये पूरा महादेव जल चढ़ाया जाएगा। और ये जो बेड़िया है, कहीं ना कहीं भगत सिंह के विचार बेड़ियों में जकड़े है, इस वजह से बेड़िया डाली है। 51 तिरंगों की कावड़ है, 51 तिरंगों खाल में डाल के कहीं ना कहीं योग के अंदर जो जो जज्बा है कहीं ना कहीं बरकरार रहे। ये 51 तिरंगों की जो कावड़ थी वो बोली गई थी कि 51 तिरंगों की कावड़ लेकर आएंगे। अगर ये हमारी दोनों मनोकामना पूर्ण होती है तो आने वाले समय भी, अगली बार भी दोबारा से कावड़ लेकर आएंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, भगत सिंह जैसा कोई नहीं हो सकता, सुखदेव, राजगुरु जैसा कोई नहीं हो सकता, चंद्रशेखर कोई नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं आज आंखें नम है, आज पूरे कावड़िया हर रोड पर पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं, कहने की आज इन्हीं के कारण है। और सभी युवा कहना चाहते हैं सरकार से भी, भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर इनको शहीद का दर्जा मिल जाएगा उस दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने देश आजाद करा था। और अग्निवीर योजना समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि कहने कहीं हर युवा का मन कहता है, दिल कहता है कि मैं सेना में जाऊं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।